Hello, bachu Let's read this question. The question says Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? 1. Flying fish, cuttlefish, silverfish, pieces. 2. Centipede, millipede, spider, scorpion, insecta. 3. Housefly, butterfly, setse fly, silverfish, insecta. एंटीटर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द फाइलम एंड क्लासेस ऑफ गिवन एनिमल तो सबसे पहले दिया गया है पीसेस तो पीसेस के अंडर जो सबसे पहले बोला गया है फ्लाइंग फिश जो कि सच में एक फिश है तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश नेक्स्ट आएगा काटल फिश फिर बोला गया है सिल्वर फिश सिल्वर फिश एक इंसेक्ट होता है तो ये इंसेक्ट के अंदर आ जाएगा और इसका फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा उसके अंडर होगा सिल्वर फिश नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन थ्री में देखेंगे तो हमारे पास क्या है हाउस फ्लाई है जो अगेन एक इंसेक्टा है फिर बटरफ्लाई बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है और लास्ट है सेटसी फ्लाई जो भी एक इंसेक्ट है नेक्स्ट हम आर्थ्रोपोडा के अंदर ही दूसरा और एक ग्रुप देख पाते हैं जिसको हम क्लास बोल सकते वो है एरकनीडा ये भी आता है आर्थोपोट के अंदर जिसके अंडर आ जाता है स्पाइडर और स्कॉर्पियन और लास्ट हम बात करेंगे इकाइनोडर्माटा के बारे में एकाइनो डारमाटा एकाइनोडर्माटा में कौन आएगा सी आर्चिन और आएगा सी क्यू काम्बर क्यू और लास्ट ये जो स्पाइनी एंटीएटर है वो क्या है एक मैमल है तो देखिए यहां पर सिर्फ ऑप्शन सी है यानी कि ऑप्शन थ्री जो कि मैच कर रहा है यानी कि हाउस फ्लाई बटरफ्लाई से फ्लाई सिल्वर फिश सब इंसेक्टा में आ रहा है ऑप्शन फोर में स्पाइन एंटीएटर मैमल्स इस वजह से रॉन्ग हो रहा है अच्छा यहाँ पर स्पाइडर और स्कॉर्पियन इंसेक्टा के अंदर नहीं आता है तो इसके वजह से ऑप्शन टू भी रॉन्ग हो रहा है और यहाँ पर शिल्वर फीस पीसेस के अंडर पे नहीं आता है तो इस वजह से ऑप्शन वन रॉन्ग हो रहा है सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन थ्री यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक